नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट से पवन सर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि बहुत सारे फोनों में क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ रहता है, बहुत सारे फोनों में मीडियाटेक सीपीयू लगा हुआ रहता है, बहुत सारे फोनों में स्पैडम सीपीयू लगा रहता है, तो हम सीपीयू को जब ही जान जाएंगे कि हमारे इस फोन में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, तो हमें ये आइडिया आ जाएगा कि इसमें कौन सा नेटवर्क आईसी लगा हुआ है, कौन सा ऑडियो आईसी लगा हुआ है, कौन सा प्राइमरी पावर आईसी लगा हुआ है, कौन सा सेकेंडरी पावर आईसी लगा हुआ है, ये सारे आइडिया आ जाता है। कैसे वो देखेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों, क्वालकॉम सीपीयू का जो सीपीयू आता है उसमें सबसे पहले कुछ अल्फाबेट नंबर लिखा होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मोबाइल में काम करोगे तो ये ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक के जरिए से हम पता कर पाते हैं कि हमारे इस फोन में नेटवर्क आईसी WTR आईसी लगा हुआ है या SDR आईसी लगा हुआ है। वो यदि हम सीपीयू जान जाएंगे इसके अंदर कौन सीपीयू लगा हुआ है, इस फोन का लगभग आईसी के बारे में हमको तुरंत पता चल जाएगा बिना देखे। देख सकते, यदि आपके अंदर कोई मदरबोर्ड है और आप जानते हैं सीपीयू का नंबर से पहले लिखा हुआ रहता है MSM या कुछ अलग मॉडल के होंगे उसमें लिखा रहेगा SDM या फिर लिखा रहेगा SM, मतलब क्वालकॉम सीपीयू का नंबर से पहले ये अल्फाबेट नंबर लिखा होता है। तो यदि कोई आपके पास फोन है और यदि MSM लिखा है क्वालकॉम सीपीयू वाले फोन में क्वालकॉम सीपीयू के कोड के पहले MSM लिखा है, तो उसमें जो मेन पावर आईसी होगा वो PMIC होगा, सेकेंडरी पावर आईसी होगा ये PMI पावर आईसी होगा। यदि इसमें ऑडियो आईसी लगा हुआ है तो इसमें WCD होगा या PMIC में होगा इसका ऑडियो आईसी कनेक्शन। Wi-Fi आईसी होगा तो ये WCN लिखा होगा, और RF IC मतलब नेटवर्क आईसी होगा तो WTR IC लिखा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि आपके पास SDM क्वालकॉम सीपीयू के नंबर से पहले SDM लिखा हुआ है तो इसमें मेन पावर आईसी होगा ये PMIC होगा, और सेकेंडरी पावर आईसी होगा ये PM, यहां पे आपका आईसी का नंबर और लास्ट में L होगा, और ऑडियो आईसी होगा तो ये ऑडियो आईसी WCD होगा या फिर PML नंबर आगे होगा या PMIC होगा। वाईफाई आईसी होगा वो WCN होगा, मतलब दोस्तों कोई आईसी के जो नंबर है उससे पहले WCN लिखा रहे तो आप समझ जाओ कि ये वाईफाई आईसी है। यदि आईसी से पहले नंबर से पहले SDR लिखा हुआ है ये कौन से में मिलेगा, SDM में, तो ये समझ जाना है WTR मतलब नेटवर्क आईसी है। इसी प्रकार से जिसमें SM लिखा होगा तो उसे मेन पावर आईसी PMIC होगा, सेकेंडरी में आपको PMI IC हो सकता है या PM नंबर के बाद L होगा, PM नंबर के बाद ये होगा, PM नंबर के बाद B होगा, ये सेकेंडरी पावर आईसी होगा, और ऑडियो आईसी होगा वो WCD होगा या PML नंबर होगा या PM होगा, और जो आपका वाईफाई आईसी होगा वो WCN होगा, और जो आपका RF IC होगा वो SDR IC होगा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से हम ये समझते हैं कि यदि क्वालकॉम सीपीयू वाले फोन में SM होगा तो ये सब आईसी आपको मिलेगा, SDM होगा तो ये सब आईसी आपको मिलेगा, और SM होगा तो ये सब आईसी आपको मिलेगा। दोस्तों इस तरह का ट्रिक वाला वीडियो यदि आपको देखना पसंद है तो आप बताएंगे, MTK S लिखेंगे तो हम आपको MTK CPU के बारे में भी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आप सभी ने हमारे बहुत ही कीमती समय देकर के इस वीडियो को देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।